बेटा कल हम लोगों ने लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े थे, आज हम लोग वेरियस एग्जांपल देखेंगे हमारी केमिस्ट्री में लुइस एसिड बेस के। तो एडिनाला एग्जांपल ऑफ वेरियस एग्जांपल ऑफ लुइस एसिड एंड लुइस बेस, वेरियस एग्जांपल ऑफ लुइस एसिड एंड लुइस बेस। वेरियस एग्जाम्पल आप लुइस एसिड एंड लुइस बेस अच्छे से तैयार करना बेटा इनको, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी काम आएंगे। बेटा याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिन्हें मैं लुइस एसिड बोल रहा हूँ यहाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते बेटा इन्हें, आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक में, जिन्हें मैं यहाँ लुइस एसिड बोल रहा हूँ उन्हें बेटा इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा, और मैं जिन्हें यहाँ लुइस बेस बोल रहा हूँ उन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। क्या बेटा, न्यूक्लियोफाइल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको ई से शो करेंगे और इसको एन यू माइनस से शो करते बेटा ऐसे। तो याद रखना जिन्हें मैं यहाँ लुइस एसिड लुइस बेस नाम से क्लासिफाइड करूंगा उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बोलिए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन चाहने वाला, न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव चाहने वाला। जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज होते ही है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला, इलेक्ट्रॉन को फिल करने वाला। समझ में आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही बोला जाता है इनको, इलेक्ट्रॉन लवर बोला जाता है इनको, इलेक्ट्रॉन चाहने वाले, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले जो हो गए बेटा वो क्या हो गए, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लुइस बेस। समझ में आ रहा है, तो बस केवल टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेंज हो जाती है जब हम इसको पढ़ेंगे। तो आ रहा है समझ में, तो ध्यान देना। तो बड़े जो लुइस एसिड और लुइस बेस है मीन्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इन्हें हम 3-3 कैटेगरी में डिवाइड करके एग्जाम्पल देते हैं। तो लेना बेटा नंबर वन एग्जाम्पल आप लुइस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, एग्जाम्पल आप लुइस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। लुइस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो बड़े देखो ना, दे आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, दे आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज। पूरी केमिस्ट्री के लिए याद रखना है 12th तक। नंबर ए करके लिखना बेटा, ऑल केटाइन वर्क इज लुइस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल। तुम्हारा जैसे H प्लस है, कल हमने प्रूव किए थे कि H प्लस क्या है बेटा, लुइस एसिड बिकॉज रिसीव लोन पेयर। समझ में आ रहा है, इसके जैसा होने के लिए हीलियम जैसा दो इलेक्ट्रॉन ले गए क्योंकि जीरो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो बड़ा अब आपको देखना नहीं है, जितने भी केटायन है वो सबको काय में डाल सकते हैं आप लुइस एसिड, बिकॉज दे रिसीव मे बी रिसीव लोन पेयर ड्यूरिंग रिएक्शन। ये लोन पेयर ले सकते हैं बेटा ड्यूरिंग रिएक्शन, केटायन है, केटायन का मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी। तो उस डिफिशियंसी को मेकअप करने के लिए क्या ले सकते हैं बेटा, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन। इसलिए सभी केटायन आप काय में डाल दो लुइस एसिड में, एच प्लस है आपका, आई प्लस है, आर प्लस है। आर क्या है बेटा, कोई मिथाइल इथाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अरे ऑर्गेनिक रेडिकल है ये, ठीक है। सी एल प्लस है, बी आर प्लस है, आई प्लस है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल में डाल दीजिए आप। आर यहाँ ऑर्गेनिक रेडिकल है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी फटाफट।
तो ये जितने भी केटाइंस है जो मुझे याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या तुम्हें याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सभी केटाइन आप काय में रख सकते हैं बेटा। और ये बेटा Mn प्लस लिख देना, एम फॉर मेटल, हैवी मेटल आयन है बेटा, हैवी मेटल आयन भाई। जिन पे पॉजिटिव चार्ज है दे मे बी रिसीव लोन पेयर इन वर्क एज लुइस एसिड, समझ में आ रहा है? क्योंकि लुइस एसिड बेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर ले ले वो क्या बेटा, लुइस एसिड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर्स, कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे मीन्स इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहिए, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक। फिलिक मतलब स्नेह करने वाले, किससे स्नेह करने वाले, इलेक्ट्रॉन से, समझ में आ रहा है? ये हेवी मेटल आयन है बेटा, Mn प्लस का मतलब हेवी मेटल आयन मीन्स डी ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक की मेटल है, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक मेटल्स होगी बेटा हेवी मेटल्स। क्योंकि एस ब्लॉक लाइट मेटल्स में आते हैं तो वो जनरली अच्छे लुइस एसिड नहीं होते, समझ में आ रहा है पक्का? तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। बी करके लिखना बेटा, दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंटर एटम बाइंडेड विथ, दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंटर एटम बाइंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इफ दे आर, इफ दे आर ऑक्टेंट आर हाइयर ऑक्टेंट, ऑक्टेंट आर हाइयर ऑक्टेंट एल्डो receive lone pair of electron, although receive lone pair of electron and work as Lewis acid। बहुत ही प्यारा second category है बेटा ये, मैंने क्या लिखा हूं देखो, यदि कोई ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, देखो केटाइन तो लुइस एसिड होंगे आंख मूंद के, लेकिन कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी लुइस, क्या लिखा हूं मैंने, दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम बाइंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इफ दे आर ऑक्टेंट आर हाइयर ऑक्टेंट। अगर इनका ऑक्टेंट क्या हो चुका बेटा कंप्लीट, यहां ये क्या हो चुके हैं हाइयर ऑक्टेंट, एल्दो मीन्स यद्यपि दे रिसीव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वर्क इज लुइस एसिड। अब इसके एग्जांपल बता रहा हूं मैं, रटना नहीं है आपको, जो लिखा है उसको देखना, वर्क इज लुइस एसिड। अब देखो बेटा एग्जांपल देखो इसमें, अब देखो SCF6 को देखो, अपने SCF6 में जो सल्फर है वो 6 फ्लोरिन, अब फ्लोरिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई, हाईली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन करें बेटा, फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और फोर्थ नंबर में कौन आता है क्लोरीन, इनका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर बहुत ज्यादा है। तो देखो बेटा जब इस सल्फर से 6 फ्लोरीन एटम बाइंडेड है तो ये सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 6, लेकिन चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या है ज्यादा है, तो ये पूरी इलेक्ट्रॉन कौन खींच जाएगा अपनी तरफ, बोना, तो सल्फर +6 हो गया ना, अरे एक इसको दिया, 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 तो सल्फर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया।
तो बाहर से लोन पेयर ले सकता है। जबकि अगर मान लो ऑक्टेंट रूल से काउंट करूँ कि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन पूरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर ज़्यादा हो गई है, फ्लोरीन साइड। इसलिए सल्फर कैसा हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो बाहर से अगर कोई लोन पेयर देना चाहता है बोलता है आंधे, नहीं आया समझ में, पक्का आया, ठीक है। जबकि सल्फर अगर ऑक्टेंट रूल से देखे तो हाइयर ऑक्टेंट हो चुका है, इसको लोन पर रिसीव करने की बनती है क्या, अरे नहीं बनती। लेकिन पूरी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की किधर खिसक गई है, फ्लोरीन साइड। इन 6 फ्लोरीन ने सल्फर को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना दिया है। इसलिए बाहर से अगर कोई लोन पर देना चाहते तो मुंह फाड़ खड़े था, नहीं आया समझ में, हाँ इसे ध्यान दे भाई, ओके। तो बेटा अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग रूल इसको लोन पर लेना चाहिए क्या, कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, SF6 है, क्लियर है, शाबाश। अब क्या PCl5 इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, अरे कर रहा है ना, अरे साले फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से बाइंडेड है, तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड चलेगी, क्लोरीन साइड, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया ना भाई, नहीं आया समझ में। तो अब फास्फोरस बाहर से लोन पेयर ले सकता है, नहीं आया समझ, जबकि अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग रूल इनको लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन लेने की बनती नहीं, क्यों नहीं बनती है, देखो फास्फोरस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और ये बेटा क्लोरीन तो हो गए 6, ए हो गए 7, ए हो गया 8, ए हो गया 2, 4, 6, खुद के 5 और बॉन्ड के 5 इजिकल टू इसके पास कितने हो गए 10। लेकिन 10 होने से कारण, 10 होने के बाद भी फास्फोरस यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, क्यों है, क्योंकि पूरी डेंसिटी किस साइड शिफ्ट हो गई है, क्लोरीन साइड, समझ में आया। इसलिए लाइन अच्छे से पढ़ ले एक बार, ऑक्टेंट आर हायर ऑक्टेंट, एल्डाल दे रिसीव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क इज लूसिंग, रिसीव एक्चुअली कर कौन रहा है, सेंटर एटम, क्या बेटा, क्यों कर रहा है, SF6 को देखो, PCl5 को देखो, और देखो SO, अभी SO3 में देखो ना, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन पूरी डेंसिटी टूवर्ड्स शिफ्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये +6 हो गया ना बेटा। तो बाहर से अगर कोई लोन पेयर देना चाह रहा है तो बोले आंधे यार कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया समझ में, जबकि सल्फर के पास ऐसे गिने तो कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे 12 है, खुद के 6 और बॉन्ड के 6, कोवेलेंट बॉन्ड है ना, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ऑक्सीजन के पास 8, 8, 8, इसके पास 12, अरे इसके खुद के 6 और 2, 8, खुद के 6 और 2, 8, खुद के 6 और 2, 8, लेकिन सल्फर के पास तो फिर 12 है, ऑक्सीजन क्यों नहीं लेगा बेटा, क्योंकि अनबाइंडेड लोन पेयर है, वैसे इसके पास है ना, बाहर से और थोड़ी लेगा। अगर मैं बोलूँ कि SO3 लोन पेयर ले रहा है, तो SO3 का कौन सा एटम ले रहा है, सल्फर, ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो पूरी डेंसिटी अपने सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऊपर से, इसके बाद और भी अनबाइंडेड लोन पेयर है, अरे सर ऑक्सीजन आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 और 6 ने बाइंडिंग की है ना, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होंगे, इसके लिए भी काउंट होंगे, खुद के 6 और 2, 8, इसके खुद के 6 और ये 6, 12, नहीं आया समझ में, फिर भी ये लोन पेयर लेने में इंटरेस्ट दिखाएगा, कौन, सल्फर, किस मॉलिक्यूल में, SF6 में, SO3 में, क्यों, बाइंडेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, आ गया समझ में, ओके पक्का। और देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह पता है ना, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 4 ही है, विच 4, और ये अगर किसी के साथ भी बाइंड होंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, तो जो एटम है जो इनके साथ सेंटर एटम के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, सल्फर यहाँ कौन, फास्फोरस यहाँ कौन, सल्फर, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो बाहर से लोन पेयर ले सकता है। और जो भी बाहर से लोन पेयर ले, दे आर कॉल्ड लुइस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल, CO2 वही कहानी है, देखो कार्बन बाइंडेड विथ ऑक्सीजन, और इन 4 एलिमेंट से बाइंडेड होना चाहिए सेंटर एटम, समझ में आ रहा है, N2O5 को देखो या NO3 को देखो, ये देखो नाइट्रोजन बाइंडेड विथ ऑक्सीजन,
तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड खिसक गई, ऑक्सीजन के साइड, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। तो लोन पर ले सकता बाहर से? छापते जा एग्जाम्पल जल्दी चल। साथ साथ लिखा करो बे, तुम्हारी वेट नहीं करूंगा सालों में। जल्दी कर, हो गया। P2O5 है, क्या आ रहा है इस क्राइटेरिया में? सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। किससे बाइंडेड है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। जबकि इन मॉलिक्यूल के एसिड बेस कैरेक्टर को ना तो आयर्नियस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था, ना में ब्रोस्टिल नारी एक्सेप्ट कर रहा है, आयर्नियस कर रहा था क्या? अरे आयर्नियस तो बोल रहा है जो वाटर में H+ दे वो एसिड, इनके पास कहाँ H+ है? तो एसिड देंगे क्या? एसिडिक कैरेक्टर्स हो, लेकिन इनके इस कैरेक्टर को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? लुइस कॉन्सेप्ट। ब्रोस्टिल नारी भी एक्सप्लेन कर रहा था क्या? ना आयर्नियस एक्सप्लेन कर रहा था, ना ब्रोस्टिल नारी। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? लुइस एक्सप्लेन कर रहा है। डेली वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। लाते हो ना तुम पे, चल ध्यान दे इधर। हो गया, समझ में आ गया? और भी एग्जांपल आ सकते हैं आपके दिमाग में। जैसे मैं बोल दूं IF7 कैसा मॉलिक्यूल है? एसिडिक है, क्योंकि आयोडीन 7-फ्लोरीन से बाइंड, तो आयोडीन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया भाई। Yes, समझ में आ रहा है? Yes, ठीक। नंबर थर्ड कैटेगरी लिख सी, दोज मॉलिक्यूल्स, दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर एटम फाउंड इन सिक्सटेंट फॉर्म। सिक्सटेंट का मतलब भाई आफ्टर बाइंडिंग में सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए बाहर से क्या लेगा? एक लोन पेयर, और बाहर से लोन पे लिया तो लुइस एसिड हो गया भाई। सिक्सटेन फॉर्म, दे आर वर्क एज नेचुरल लुइस एसिड, दे आर वर्क एज नेचुरल लुइस एसिड। दे आर वर्क एज नेचुरल, भाई इनको तो चाहिए, इनको चाहिए क्या? अरे इनको लोन पेयर की जरूरत है क्या? अरे बताना, लोन पेयर की जरूरत है क्या? क्योंकि यहाँ सल्फर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। या फास्फोरस टोटल कितने हो गए? 10। यहाँ सल्फर में फिर कितने हो गए? 12। कार्बन में यहाँ कितने हो गए? 8। ऑक्टेन कंप्लीट है ऑलरेडी। यहाँ नाइट्रोजन भी बेटा 8 ऑक्टेन कंप्लीट है, या फास्फोरस का भी ऑक्टेन, अगर वो ओपन करेंगे स्ट्रक्चर तो ऑक्टेन कंप्लीट मिलेंगे। तो बाइंडिंग रूल से इनको लोन पेयर लेना चाहिए क्या? तो ये नेचुरल लुइस एसिड नहीं है, लेकिन अगर इनको कोई लोन पेयर देने आ रहा है तो ये मना भी नहीं, 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 नहीं। बोले क्यों? क्योंकि यार ठीक है, गिनने के लिए तो हमारे पास कितने हैं? 12। लेकिन पूरे खिसके किधर साइड है? फ्लोरिन। गिनने के लिए मेरे पास कितने हैं? 10। खिसके किधर साइड है? क्लोरिन के साइड है। तो ये बेचारे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाते हैं, इसलिए अगर ये लोन पे लेना चाहे तो ले सकते हैं। आ गया बेटा समझ में? देखो ये तीन कैटेगरी के एसिड और तीन कैटेगरी के लुइस एसिड और तीन कैटेगरी के लुइस बेस मैं आपको लिखाऊंगा आज। ये थर्ड लास्ट कैटेगरी बेटा, आप देखो ये मॉलिक्यूल, देखो देखो ये नेचुरल है, नेचुरल भूखे हैं ये इलेक्ट्रॉन के। कैसे? बोरान के आउटर मोस्ट सेल में कितने? 3। और आफ्टर बाइंडिंग 4, 5, 6 से ही हुए बोले मेरे पास। मेरे को तो जरूरत ही है किसकी? एक, क्यों? ऑक्टेंट। बोले मेरे को तो चाहिए ही, तो इसलिए इनको नेचुरल लुइस एसिड में रखा जाता है। ये नेचुरल नहीं है भाई, लेकिन तुम ले रहे हो, बड़ी बात है। ये लोन पे लेने में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग रूल इनका या तो क्या बोला हूं, ऑक्टेंट कंप्लीट है यार, ये क्या हो गए? जैसे सल्फर हाइयर ऑक्टेंट 12 हो गया, फास्फोरस हाइयर ऑक्टेंट 10 हो गया, कार्बन तो 8 ही है ना, बोले नहीं लेना है, लेकिन ले सकता है क्योंकि पूरी डेंसिटी किस साइड शिफ्ट हो गई है? ऑक्सीजन। आ गया समझ में? नहीं आ रहा है? अब देखो, तो इसमें एग्जाम्पल लिखना बेटा,
सी कैटेगरी वालों में तो बेटा आल बोरान ग्रुप ट्राइहेलाइड, आल बोरान ग्रुप ट्राइहेलाइड, आल बोरान ग्रुप ट्राइहेलाइड, बोरान ग्रुप के क्या? अबे बोरान ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, गैलियम ट्राइक्लोराइड, इंडियम ट्राइक्लोराइड, थैलियम ट्राइक्लोराइड, बोरान ग्रुप के एलिमेंट है ना। नाउ वर्क इज लुइस एसिड, वर्क इज लुइस एसिड, आल बोरान ग्रुप ट्राइहेलाइड मॉलिक्यूल सही है, वर्क इज वाई वे, क्यों? क्योंकि इनमें सेंटर एटम का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। अरे बोरान हो या एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम फ्लोराइड हो या क्लोराइड हो, देखो कितने हुए इसके पास आफ्टर बाइंडिंग, अरे खुद के थ्री और थ्री सिक्स ही हुए ना। तो बाहर से लोन पर लेने की बनती ना इसकी, बाहर से लोन पर लेने वाले लुइस एसिड, समझ में आया? एग्जाम्पल लिख BCl3, AlCl3, GaCl3, IncCl3, फ्लोरीन की भी लिख BF3, AlF3, सब याद रखना बता रहा हूँ, GF3, INF3, TLF3, तो ये सब बोरान ग्रुप के क्या है बेटा? ट्राइहेलाइड है। इनको सही में क्या चाहिए? एक, क्योंकि इनमें सेंटर एटम ऐसा बदनसीब है कि उसका ऑक्टेन कंप्लीट, जबकि इनको लोन पेयर चाहिए क्या? फिर भी ये किसी ने दिया तो नहीं बोलते, नहीं बोले आंधे, समझ में आ रहा है? हाँ, छापड़े अच्छे से भूलना मत, रुक जा, आ रहा हूँ, अभी वीडियो के सामने हूँ तो अभी चाहता, जल्दी कर। थ्योरी क्लियर हुई? तो ये तीन कैटेगरी के लुइस एसिड आपको पूरी केमिस्ट्री में मिलेंगे, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ में आ रहा है? याद रखिए, इनका यूज है हमारी केमिस्ट्री में, आगे बहुत यूज है। इनका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन लवर, बिकॉज दे आर रिसीव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, समझ में आ रहा है? बड़ा एग्जाम्पल आप लुइस बेस, एग्जाम्पल आप लुइस बेस, तो लुइस बेस क्या होते हैं बेटा? विच रिलीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच रिलीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर कौन रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा? जिसके पास एक्सेस होंगे वही करेगा। अरे एक्सेस होंगे वही करेगा ना भाई। लुइस बेस नेबड़ा क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी ऑल्सो, नंबर वन या नंबर ए करके लिखना बेटा, ना आल एनायंस वर्क इज लुइस बेस, एलबी फॉर लुइस बेस, आर न्यूक्लियोफाइल, आर एन आयन में डाल दो बेटा। अब इन पे अगर किसी आयन पे आपने नेगेटिव चार्ज डाल दिए क्या, तो एन आयन बन गया, और वो किसकी तरह वर्क कर सकता है? लुइस बेस, क्योंकि एन आयन का मतलब है उसके पास एक्सेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन ही एक्सेस होगा तो दे सकता है ना भाई, जबकि अगर उन्हीं को क्या बना दिया आपने? केटायन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? लेने लगेंगे, और वर्क इज लुइस एसिड, समझ में आ रहा है?
तो चलिए इधर एग्जांपल एच माइनस है, सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है, आर माइनस है, एन जितने एन आर और भी है वो सब काय में यूज कर सकते हैं आप लुइस बेस में, ओ एच माइनस है, ये सब लुइस बेस हो सकते हैं। आप जितने भी एन आर है बहुत सारे लिख सकते हैं, बोर्ड भर जाएगा। समझ में आ रहा है? आर लिख दिया ना मैंने, अब दो चार एग्जांपल दे दो। समझ में आ रहा है? बड़े सेकेंड कैटेगरी के देखो, ध्यान दे इधर, सेकेंड कैटेगरी में क्या लिख रहा हूं लिखो आप। चलो जब तक दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच सेंटर एटम found in complete octane phase, complete octane phase and on center atom unbinded lone pair present, अब बेटा अगर कोई मॉलिक्यूल में सेंटर एटम क्या है बेटा, ऑक्टेंट है या हायर ऑक्टेंट है, मतलब ऑलरेडी उसका ऑक्टेंट क्या है, कंप्लीट है, और फिर भी उसके पास सेंटर एटम पे क्या है, अनबाइंडेड लोन पेयर, वो दे सकता है ना भाई? नहीं आया समझ में? और जो लोन पेयर दे दे वो लुइस बेस, अनबाइंडेड लोन पेयर प्रेजेंट वर्क इज ना, दे डोनेट लोन पेयर एंड वर्क इज लुइस बेस। वर्क इज लुइस बेस। एग्जाम्पल देखो बेटा, बस आपको याद नहीं करना है, आपको बाइंडिंग आना चाहिए। देखो ये अमोनिया है, नाइट्रोजन का ऑक्टेन क्या है, कंप्लीट खुद के आउटर मोस्ट सेल में 5 और 3 8 हो गया, और साथ में क्या है, अनबाइंडेड लोन पेयर है। तो कोई भिखारी आए तो लोन पेयर दे देगा उसको, हो गया लुइस बेस। ये जो लिखवा शर्त में आ गया ना भाई। नेक्स्ट देखो, वाटर को देखो बेटा, H2O ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और आफ्टर बाइंडिंग हो गया 8। उधर देख ले उसकी कॉपी में, इधर देखना छोटी, अनबाइंडेड क्या है, एक तो ऑक्टेन कंप्लीट है, ऊपर से क्या रख रहे हैं अपने पास, अनबाइंडेड लोन पेयर। तो कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल इनके पास आया मीन्स लुइस एसिड, तो उसे लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट। अरे जो लिखा है उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, कौन फॉलो कर रहा है, अमोनिया वाटर कर रहा है, ठीक है। अब देखो IF3 को देखो, आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 3, 3, 6 और 7 और 3 फ्लोरीन, 7 और 3 10 हो गए भाई, ऊपर से अनबाइंडेड क्या है, तो दे देगा, पर क्या करूंगा, ले ले किसी और के काम आएंगे। नहीं आया समझ में? चल छापते जा एग्जाम्पल छाप, बात मत कर रहे पीछे। तो अमोनिया है बेटा, वाटर है, IF3 है, PH3 को देखो, अरे जैसा NH3 वैसा PH3 है, उसी ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो इसके पास भी एक अनबाइंडेड क्या होगा, लोन पेयर। अरे अमोनिया के पास है नाइट्रोजन में, इसके पास PH3 कर दे, क्लियर है? तो ये सब मॉलिक्यूल काय में आएंगे बेटा,
लुईस बेस, क्योंकि इनको जरूरत तो है ही नहीं है, तो जरूरत वाले को दे देंगे ना, किस बॉन्ड से देंगे, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देने में इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे तो बाद में भी 8 ही रहेंगे ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से देना में मीन्स केवल अगले वाले को शेयर करने देना, बोले मेरा तो है ही, तू भी अपने लिए काउंट कर ले, समझ में आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बस आपको बाइंडिंग बना के देखना है, आ रहा है समझ में। सी कैटेगरी के एग्जांपल गुना, दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन विच सी डबल बॉन्ड सी आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ऐसा लिखना है ब्रैकेट में, इन विच सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी बाइंडिंग प्रेजेंट, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या और भी लिखना, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ट्रिपल बॉन्ड एन एटसेट्रा, सी डबल बॉन्ड सी ओ सी ट्रिपल बॉन्ड सी ओ सी डबल बॉन्ड ओ हो सी ट्रिपल बॉन्ड एन ओ एटसेट्रा बाइंडिंग प्रेजेंट, एक और एड कर दे एटसेट्रा बाइंडिंग प्रेजेंट। अच्छा, इन सभी बाइंडिंग में क्या कॉमन है, पाई बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। अब ये जो जैसे मतलब कोई आया बेटा, कोई केटायन आ गया, मान लो इसके पास केटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, केटायन वर्क एज लुईस एसिड, तो ये अपने पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, टू, एक बॉन्ड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, टू, तो ये अपने पाई बॉन्ड को ऐसे ट्रांसफर कर देगा, पाई बॉन्ड को लोन पेयर के रूप में ट्रांसफर कर देगा, पाई बॉन्ड को दे रिलीज पाई इलेक्ट्रॉन एज द लोन पेयर, दे रिलीज पाई इलेक्ट्रॉन किसके रूप में, लोन पेयर के रूप में, सिग्मा को रिलीज करेंगे क्या, क्यों, स्ट्रांग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को आप रिलीज नहीं कर, लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के फॉर्म में आप रिलीज कर सकते, समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल लिख लेना बेटा, एग्जांपल लिख लेना, एल्कीन, एल्कीन आर लुईस बेस हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, अब देने के लिए क्या है, पाई बॉन्ड, किस बॉन्ड से देगा, कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है, सीट पर एल्काइन लिख दे, ये क्या हो सकते हैं बेटा, लुईस बेस, ये अपने पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड लूज बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, एटम से लूजली बाइंडेड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड को आप ऐसे डोनेट नहीं कर सकते, आ गया समझ में, ठीक।